पकड़ो। अमृता को कहाँ कहाँ दिखाया आपने? पिछले 5 साल से हम परेशान हैं इसको लेकर के। कहाँ कहाँ दिखाया? देहरादून भी गए थे, देहरादून भी गए थे। देहरादून में कहाँ? गाँव का नाम याद नहीं आ रहा, वो एयरपोर्ट के आगे हैं। करने कराने वालों को छोड़ दो, मुझे बताइए कौन कौन से डॉक्टर हॉस्पिटल। सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 19 में दिखाया, सारा टेस्ट भी कराया, ये अपना जो डकारे आ रही है पेट का, इंडोस्कोपी वगैरह कुछ नहीं निकला, बहुत सा बॉडी चेकअप करा दिया, कुछ भी नहीं है उसमें। तकरीबन कितना पैसा मेडिकल पे लगा चुके हो अभी तक? पिछले 3-4 महीने में तकरीबन 20,000 से ऊपर हम लगा चुके हैं। 20,000 से ऊपर केवल मेडिकल पे लगा दिया, उसके बाद आप मेरे पास आए, यहाँ का पता कैसे चला? यहाँ का पता यही व्हाट्सएप के थ्रू, ये सॉरी फेसबुक के थ्रू इसने खोज निकाली, इसी ने बोले कि मेरे को यहाँ लेके चलिए। इसी ने बोला? इसी ने बोला। अच्छा, फिर आप यहाँ ले आए? फिर यहाँ पर ले आए, आज ये चौथी बार है, तीसरी बार, तीसरा हवाना और यह जो जाप होगा। लेकिन अभी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, है? आराम तो नहीं आया इसको? घर पे जाके आराम आया? कुछ कुछ खास नहीं, कोई खास नहीं। जब भैया ने चेक किया तो क्या बताया था? प्रीत बताया था। एक की कई? तीन बताए थे ना, अभी देखते हैं। आइए, इनकी वजह से मैं भी कह रहे थे कि चलिए। इनको परेशानी, इनको बताया कि आपको बताया कि मुझे भी परेशानी होती है। मानसिक स्थिति कमजोर होती है, घर के पुत्रों का दबाव पड़ता है जिसके कारण मन विचलित और अशांति होती है, पूरी छाती में चुभन से रहती है, एक तरफ इसका सुन हो रहा है, कमर में नीचे की तरफ खिंचाव पड़ता है, घर के पितर मलिन है, एकदम पूरे साफ नहीं है, पहले भी हमने इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं है, घर में टीवी भी चलती है, ना मित्रों में ज़्यादातर मलिन है, जिसके कारण आप चुभन करने से काम नहीं करते, अपने पितरों को साफ करवाना है, अमल करवा के भाड़ा लगा, 8 बार आओगे ठीक हो जाओगे, घर की टीवी में कर, जिसके कारण आप मलिन विचार लेंगे, शरीर में दर्द भी होगा, तो देवता और कितने साफ नहीं होगी, इसलिए मेरे आपके कार्य अच्छे लोगों ने इंटरनल इन्फेक्शन भी था, हमने डॉक्टरी इलाज बहुत कराया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता। इसको देखो बेटे पहले, क्या नाम? अमरीका से वहाँ के रहने वाले। गुरजीत, दोनों चीज़ें दिख रही हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं, पूजा पाठ भी की हुई है इन्होंने, इलाज भी करवाया हुआ है, ठीक है ना, देवी के तत्व जो कलेजे में बैठते हैं और पितृ जोड़े महाराज उबकाई लेके आती है, जो इनको ऐसी आवाज़ होती है, मतलब इनकी है ना जो एयर है वो ब्लॉक होती है और देवी बैठ के ऊपर को आती है हार्ट की तरफ में, और सर में वजन हो जाता है, चक्कर महसूस होते हैं, पैरों में भड़क होती है, पिंडों में शाम होते होते हैं, ऐसे लगता है जैसे पैरों की तरफ से पूरा सत्य टूट रहा है, जैसे शरीर की जान निकल रही है, होती है, पूरे रात में सो नहीं पाते, पूरे पैर से अंदर। क्या जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं? इसको टोटल कितनी चीजें थी, यहाँ से क्या प्रभाव पड़ा 4 बार में? गुरुजी, इनको दोनों तरफ से दिक्कत है, अपने मायके से भी और ससुराल से भी। मायके से आधे प्रेत शुरू से चल रहा है, जो मम्मी के घर से इनको बॉडी में लगा हुआ है, जो पहले शांत था और शादी के बाद में खुल गया, जिसके कारण इनको दिक्कत बढ़ गई है, जैसे चिड़चिड़ापन होना, सर में वजन होना, एकदम हाइपर हो जाना, पैनिक सा हो जाना, है ना, अनकंट्रोल हो जाना, मरने मारने का मन करना, वो उसके कारण है। फिर उसके बाद में आपने दिखाया हुआ है बालाजी से पैरा लगा हुआ है, बालाजी का जो है आपने प्रसाद चढ़ाया हुआ है किसी के बताने के अनुसार, तो उसके कारण आपके प्रेत कम हुए हैं लेकिन वो छिड़ गई है सारी चीज़ें, तो आपने वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं रखी, क्योंकि आपके साथ में एक चीज़ थी, काफ़ी चीज़ें थी, इस ससुराल की तरफ से आपको करवाया हुआ भी है, जिसके कारण देवी आपके कलेजे में आके बैठ गई है और ऐसी आपको उल्काई महसूस होती है। यहाँ से जब आप 4 बार आए हो, आपके 2 प्रेत पूरे पूरे ख़त्म हो चुके हैं, उसके साथ साथ में जो देवी आपकी एक टोटल मिला के 3 प्रेत बताए थे आपको, प्रेत कोई बाहर का बाकी है?
गुरुजी फिलहाल कोई भी प्रेत नहीं है, सिर्फ देवी के तत्व है जो कलेजे में बैठे, और पितृ उनका साफ होने लगा। साफ कैसे होने लगा? अभी इतनी देर में क्या आराम पड़ना महसूस हुआ? हल्का। आंखों में देखो मेरी, पितर बताइए कहाँ है? गुरुजी कुछ अंश देवी के साथ में चल रहे हैं, यही पे इस साइड में देवी, बीच में इस साइड में, और कुछ कमर के पिछले हिस्से पितर के। अभी पूरे शरीर में दर्द कहाँ है? अभी कम हो गया, पूरे शरीर का दर्द कम हो गया, कमर में थोड़ा बहुत है, अभी जाता है। आइए चलिए भाई। और सभी बोलते हैं कभी मेरी मम्मी बचपन में एक्सपायर कर गई थी, और मेरा दो भाई, कहीं वो लोग तो नहीं है। यहाँ से वहाँ चलो, अब तेरे को आराम पड़ जाएंगे। नाम बता देना उसको, नाम लिखवा देना दोनों तीनों। उसको इतनी सारी चीजें हैं, कुछ हद नहीं, 500 जगह नहीं, लाख जगह भी खर्च करेगा तो भी कुछ नहीं। अभी और 10 साल बाद इसका इतना बुरा हाल हो जाता कि जैसे इस पे मारण किया गया, और मर भी जाती दो काम, या तो मर जाती या घिसटती रहती है। जैसे अभी तो ये कहती है मेरी टांगों की जान निकलती है, लेकिन चल पाती है, फिर वो निकल ही जाती है। कभी ये परेशान रहते हैं तो मैं उसकी ताकतवर क्रिया है, जब ताकतवर क्रिया होती है तो वो एक बार में कदापि निकलती नहीं है। भाई इनके जिनके 11 कुल इनके दोनों के हैं ना, इनके नाम लिख ले अगर ये जा रहे हैं यहाँ। और जब खड़ी हुई थी तब कहाँ था? नहीं, जब यहाँ आए थे सामने मेरे तब कहाँ था? कमर में और पैर में। अब है कमर में, पैरों में वही है, उतना ही दर्द है? नहीं, उससे कम है, लेकिन नीचे कम हुआ है। इसका मतलब क्रिया कटी है, जब कम होता है क्रिया कटती है। अब मैंने जाप बंद कर दिया, अब आपको आराम पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना है, गोला फिर भी कराना है, तब हवन होता रहेगा, यज्ञ होता रहेगा, तब ये कटती जाएंगी चीज़ें। अभी आना है, आप कौन सी बार आए? चौथी बार आए अभी। और आना क्या करना है? और आना है ना। पहली बार वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करना। कोई पहली बार वाला जिसको ऑपरेशन